और तुम्हारी मंजिल भी। यहाँ पर आने वाले हर आदमी को मतांडिका मारकर उसकी रूह को अपना गुलाम बना लेती है। आगे मैं नहीं बढ़ सकती। ये हद है मेरे इलाके की। इस इलाके के बाहर मेरी शक्तियां काम नहीं कर सकती, क्योंकि तमराज किलविश ने सिर्फ मुझे इस इलाके में शक्तिशाली बनाया है। अंधेरा कायम रहेगा। बोल, क्यों याद कर रही थी हमें? मैं कुछ अर्ज करना चाहती हूँ। कैसी अर्ज? आपने मुझे जो ताकतें दी है महामहिम, वो केवल मैं अपने इलाके में ही इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मैं हर जगह, दुनिया के हर कोने में, जहाँ मैं चाहूँ वहाँ इन ताकतों का इस्तेमाल कर सकूँ। अगर आप चाहें तो ये हो सकता है महामहिम। हो क्यों नहीं सकता? अंधेरा जो चाहे वो हो सकता है, मगर अंधेरा किसी को भी यूं ही कोई भी चीज कभी नहीं देता है। हर चीज की कीमत वसूल करता है अंधेरा। अगर अंधेरे ने तेरी ताकत बढ़ा भी दी तो अंधेरे का क्या फायदा होगा? इससे अंधेरे का ही फायदा होगा महामहिम। आज भी लोगों को मारकर मैं इस दुनिया में अंधेरा फैला रही हूँ। अगर मेरी ताकत बढ़ गई तो मैं और ज्यादा लोगों को मारकर और ज्यादा अंधेरा फैलाऊंगी। नहीं, अंधेरा सिर्फ शक्तिमान को मारने के बाद ही फैल सकता है। अगर आपने मेरी ताकतें बढ़ा दी तो मैं शक्तिमान को मार दूंगी महामहिम। नहीं, हमने बहुत से नुमाइंदों को ताकतें देकर भी देख लिया है, कोई भी आज तक कामयाब नहीं हुआ है। मैं कामयाब जरूर होंगी महामहिम। और हम तुम्हारी ताकत तुम्हारी कामयाबी के बाद ही बढ़ा सकते हैं। लेकिन महामहिम। नहीं, अब और कुछ नहीं। अगर सारी दुनिया पर राज करना है तो पहले अपनी काबिलियत दिखाओ, शक्तिमान को मार कर दिखाओ हमें। मगर शक्तिमान मिलेगा कहाँ? है एक लड़की गीता विश्वास, जो प्रेमिका है शक्तिमान की। इन दिनों वो शक्तिमान की कॉमिक्स निकाल रही है। उसके जरिए तुम आसानी से पहुंच सकती हो शक्तिमान तक। मगर इसके बाद ये मत पूछना कि शक्तिमान को खत्म कैसे करना है। अब आप ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए महामहिम। अंधेरा कायम रहे। अंधेरा हमेशा कायम रहेगा। ठीक है, मैं शक्तिमान को खत्म करके रहूंगी, लेकिन उसके लिए पहुंचना होगा गीता विश्वास तक। क्या हो रहा है? आखिर ये सब क्या है? लगता है आप सबके फैमिलीज भी यही हैं। हाँ गीता जी, हम सब का फैमिली भी है जी। मीक माय वाइफ
शुभ लक्ष्मी। वणक्कम। वणक्कम। He is my son Venkatesh and this is my lovely daughter Shobha। वणक्कम। वणक्कम वणक्कम। और यह है हमारा धर्म पत्नी सुमित्रा। नमस्कार। नमस्कार। और ये किसकी बेटी? हमारा लाला बेटी मोना। मोना मोना। और ये है मेरा बेटा, मेरा जिगर का टुकड़ा, मेरा सब कुछ, मेरा लाल, मेरा नीला, पीला 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 भी। और ये प्यारी बच्ची मेरी नन्नी, मेरी बेटी। नमस्ते। और ये है दोनों की माँ। दोनों की माँ मतलब पापा की वाइफ अंकल। यू मीन पापा की भी माँ? नहीं नहीं, पापा की वाइफ, पापा की वाइफ। ओ, ओ, वाइफ अर्थात धर्मपत्नी। नमस्कार। फूलमती है हमारा नाम। फूलमती? नहीं, लेकिन पापा तो हमेशा काटामती कहते हैं। और ये है तृप्ति। हाय। ओ यू मीन वैलेंटाइन। नमस्कार। बट गंगाधर जी, आई एम विदाउट वाइफ। How sad, Bhakti ji. You know, there is no life without a wife. That's right, Swami ji. क्यों गंगाधर? Ji, yes, yes. There is no life without wife. But after wife, there is fight and life. Right. Only fight after wife. Ah, but I like fight with wife. ये भी ज़िंदगी का मज़ा है यार. Thank God, I have nobody to fight in life. Okay, it is good. Everybody need not fight. Yeah. Somebody should be there for peace. Yeah. Shanti. You be the peacemaker of the house. लेकिन सुधांशु जी, आपने कौन सा सरप्राइज देने के लिए बुलाया था? अरे सरप्राइज यही है गीता, कि हम लोग सब पिकनिक पे जा रहे हैं। क्या? पिकनिक अर्थात वन भोज। अयो गंगाधर जी, वन भोज ही नहीं जी, वन ब्राह्मण भी है। गीता, हम लोग कितने दिनों से परेशान हो रहे थे ना कॉमिक्स के पीछे लग लग के, और फिर तुम भी तो कितने महीनों से परेशान हो रही थी। हमने सोचा कॉमिक्स से हटकर भी कुछ एंजॉय भी तो होना चाहिए ना। अरे लेकिन पिकनिक तुम लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं? घर पर मैंने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया। माँ है, अप्पू है, वो लोग परेशान हो जाएंगे। दीदी घबराने की कोई बात नहीं है, मम्मी को सब पता है कि हम लोग पिकनिक पे जा रहे हैं। और ये लो आपकी फेवरेट कैप। अप्पू तुम भी? ये तो बहुत ही बड़ा सरप्राइज है। तुमने तो यही सोचा होगा कि मैंने ही सुधांशु जी से कहकर तुम्हें फोन करवाया। जी नहीं नहीं, हमने नहीं सोचा, हमने बिल्कुल नहीं सोचा। तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने यही सोचा होगा। देखो शक्तिमान कभी झूठ नहीं बोलता। बोलो ना गंगाधर, तुम झूठ बोल रहे हो ना? हाँ अच्छा ठीक है, मत बताओ, लेकिन मैंने तो यही सोचा था कि तुमने ही सुधांशु जी से कहलवाकर मुझे वहां बुलाया, मुझे सरप्राइज देने के लिए। भला हम क्या सरप्राइज देंगे आपको? यही कि तुम हमारी शादी के लिए राजी हो गए हो। क्यों, क्या ये खबर मेरे लिए कम सरप्राइज होगी गंगाधर? बोलो ना, क्या ये मेरे लिए कम सरप्राइज होगी? हाँ हमें लगता है कि हमें और कहीं जाकर बैठना चाहिए। क्यों खड़े हो गए हो गंगाधर, क्या खटबल काट रहे हैं? नहीं हमें यहाँ नहीं बैठना है, हम वहाँ चलकर बैठते हैं। चलो गंगाधर। अजी हाँ, आप वहाँ जाकर बैठिए, हम यहाँ बैठते हैं। मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो क्या? जी हाँ। लेकिन मैं तुम्हारा पीछा छोड़ने वाली नहीं हूँ, समझे? वत्स गंगाधर बुरे फंसे, अब पता नहीं क्या होगा पिकनिक में। मेरे बारे में बात करो ना, आखिर मैं तुम्हारी प्रेमिका हूँ। अयो ड्राइवर साहब, इतने जोर से ब्रेक है को मारा जी, हम सब लोग हिल गया। भाई क्या हुआ, गाड़ी रुक क्यों गई? लगता है गाड़ी गरम हो गई है। लेकिन गाड़ी गरम कैसा हो सकती है? सिंपल सी बात है पापा, रेडिएटर का पानी खत्म हो गया, इसलिए पापा होकर भी इतना नहीं पता। लेकिन तुम्हें सब कैसे पता है? कितनी फिल्मों में बताते हैं,
गाड़ी का पानी खत्म हो जाता है, हीरो डब्बा लेकर जंगल में पानी ढूंढने जाता है और हीरो की मुलाकात होती है हीरोइन से। ये! अरे भाई कलिंगर साहब, आपने सुन लिया ना, डब्बा उठाइए और पानी लेकर आइए। भैया पानी लिए बगैर मत लौटियो, वरना बस यहाँ प्यास के बगैर मर जाएगी। अब ये भी तो पता नहीं जंगल में कहाँ पानी मिलेगा। हाँ तो कहाँ थे हम? हाँ मैं ये कह रही थी कि मैं तुम्हारी प्रे... अरे भाई गंगाधर, अब तुमको क्या हुआ? पानी ढूंढने तो वो गया ही है ना। अरे भाई हम वनभोज करने आए हैं ना। एक बुद्ध अबरी जी, हम वनभोज करने आए हैं ना, और वनभोज का मतलब होता है वन में भोज करना। यस अंकल, हम नीचे उतर कर खाना खा सकता है जी। ये वेंकट है, चुप करो जी, एवरी टाइम हंगरी हंगरी। अरे तो स्वामी जी इसमें बुरा क्या है? भूख लगना तो स्वाभाविक बात होती है, और वैसे तो हमें तो बहुत ही तीव्र भूख लगी हुई है। अरे भाई आप लोगों को भूख नहीं लगी क्या? तो फिर देखिए वो कलिंगर साहब गाड़ी के पानी का इंतजाम करने गए, हम नीचे उतर कर अपने पेट का इंतजाम कर लेते। इसका मतलब दरी और खाना वगैरह नीचे उतारो। हाँ हाँ उतारो उतारो सुंदर भाई, सब उतारो। चलो चलो जाने दो बच्चों को। हाँ जाइए जाइए। वो सब खाना वाना ले चुके ना, वो दरी वगैरह भी जी, हाँ। वो फिर बिछा कर रखना, हम अभी आते हैं। हाँ। चलिए अब आप भी उतरिए ना, आपको भूख नहीं लगी। अच्छा तो मेरे साथ बैठकर बात करने से ज्यादा जरूरी तुम्हें खाना खाना लग रहा है? हाँ जी हाँ, वो तो है ही। अरे भूख लगने पर खाना खाना तो आवश्यक होता है, और उससे अधिक आवश्यक होता है समय पर खाना खाना। अब देखिए देखिए वो दिन चढ़ता जा रहा है, दोपहर हो गई है, खाना खाने का समय बीता जा रहा है बीता जा रहा है। और शादी, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे और मेरे शादी का समय भी निकला जा रहा है? हाँ परंतु खाना खाने का समय तो निकला ही जा रहा है, निकला ही जा रहा है। देखिए ना वो लोग सब उतर गए हैं, सब वो खाना खाना शुरू कर देंगे, वो सब खाना खा जाएंगे तो फिर हम क्या खाएंगे? तुम्हारा मुझे नहीं पता, लेकिन जब तक तुम शादी के लिए जवाब नहीं दोगे ना, मैं तुम्हारा भेजा खाती रहूंगी, समझे? वो तो सुबह से खा रही हैं आप। हाँ देखिए देवी जी, अब हमारे भेजे में कुछ नहीं बचा, अब कुछ जरा भोजन कर लेना तो वो हमारे पेट में जाएगा, और पेट से भेजे में जाएगा, तब आप खाना शुरू कर दीजिएगा। अभी बहुत भूख लगी है, अब हम जाते हैं, अगर आप नहीं आते तो। नहीं जाऊंगी। हेमल, वो हम आपसे कुछ आवश्यक बात करना चाहते हैं। ये क्या है कि वो जो आप, अच्छा खैर जाने दीजिए, बात बाद में कर लेंगे, गेंद का खेल कंटिन्यू रखते हैं। आइए लीजिए, आ गया आप लोगों के लिए एकदम गर्मा गर्म खाना, ये लीजिए। अरे भाई तो आप भी लीजिए, बाकी साहब तो कीजिए शुरुआत। चलिए भोजन की समाप्ति हो गई, अब हम कुकड़ तो लेंगे। साहब जी देर हो रही है। हाँ? देर हो रही है, थोड़ी देर में शाम हो जाएगी। हाँ? ड्राइवर साहब पूछ रहे हैं आगे बढ़े। बस ठंडी हो गई। हाँ हो गई साहब जी। तो चलिए ना, हम यहाँ थोड़ी पिकनिक मनाने, हम तो वहाँ पर कहाँ पर वो हर हर गुट्टू में पिकनिक मनाएंगे। चलो चलो चलो, अपने अपने सामान उठाओ, दरी भरी सब उठाओ। हाँ हमारा जूता कहाँ गया भाई? चलिए आइए आइए जल्दी आइए। चलिए चलिए गंगा धरती चलिए। अरे बाप जी, भैया तबीयत से खाना खाया ना आपने? चलो चलेंगे।
बजे? एक औरत लिफ्ट मांग रही है साहब। अरे नहीं नहीं नहीं, लिफ्ट नहीं देना बाबा। अरे अनजान जगह पे किसी अनजान औरत को लिफ्ट नहीं देना, बड़ा गड़बड़ होगा। अयो गाड़ी मत रोको जी, गाड़ी आगे बढ़ो जी। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग, एक औरत लिफ्ट मांग रही है। लेकिन गीता कहीं वो डाको की गैंग की हुई तो? दस्यु सुंदरी भी हो सकती है। हुई तो हुई, कोई बात नहीं, तुम उसे ऊपर बुलाओ। जी आइए आइए। थैंक्स। जी यार रास्ते में मेरी गाड़ी खराब हो गई है, अगर आप बुरा ना माने तो मुझे आगे तक लिफ्ट देंगे प्लीज। आपको जाना कहाँ है? बस थोड़ी दूर आगे तक। लेकिन आप ऐसे अकेले इस वक्त सुनसान रास्ते पर? जी मैं वो, खैर छोड़िए, हम आपको आगे तक छोड़ देंगे। थैंक्स। आइए। थैंक्स। बैठिए। मेरा इलाका आ गया, यानी वक्त हो चुका है खेल शुरू करने का। बस बस रुको यहाँ पर, बस रोक दो यहाँ पर, बस रोक दो, रोको यहाँ पर। क्या हुआ? मैं यही उतरूंगी। इधर आ, इंजन का ढक्कन खोल। ये तो शुरुआत है मेरे खेल की। अय्यो ड्राइवर साहब अब क्या हुआ? पता नहीं साहब, स्टार्ट ही नहीं हो रही है। अरे पता कीजिए, सुबह पानी खत्म हो गया था, कहीं अब डीजल तो खत्म नहीं हो गया? लगता है इंजन में खराबी आ गया है। हे भगवान, फिर तो हो गया काम, इस जंगल में कहीं मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। ये सुधांशु जी के मामले में हमेशा ऐसे ही होता है। नहीं तुम लोग सरासर मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहे हो। ये वक्त नहीं है इन सारी बातों का। तुम बताओ कितना इंतजार करना होगा, कब ठीक होगी ये बस? कोशिश करेंगे मैडम, ठीक हो गई तो ठीक है, नहीं तो रात भर यही रुकना पड़ेगा। माय गॉड, होल नाइट? अरे लेकिन सारी रात इस जंगल में रुकेंगे कैसे? रुकना तो पड़ेगा साहब, अब इतनी रात में सुनसान जंगल में किसी मैकेनिक को कहाँ ढूंढने जाएंगे हम? ओ गॉड, सारी रात पिकनिक, पिकनिक भाई, पिकनिक में ऐसा ही आनंद होता है, अब मनाइए पिकनिक। अद्भुत अदम्य साहस की परिभाषा है ये, मिटती मानवता की आशा है।